1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के फिर रिपोक पेशवास के लिए क्या हुआ है वो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूअर्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज पार्ट फोर आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू सी अ ब्रीफ ऑन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जिसके ऊपर मेंस में कोई कोई ना कोई तो सवाल आ सकता है एंडर आफ्टर विल एंटर इनटू एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट में फर्स्ट बैटल आज कवर अप करेंगे सेकंड बैटल थर्ड बैटल एंडर आफ्टर Uh, जो एनालिसिस है रिलेटेड टू द डाउनफॉल ऑफ मराठास उसको फिर हम लोगों को uh, हम लोग कल के लेक्चर में कवर अप करेंगे सो लेट्स मूव मोटर्स दिस एस्पेक्ट नाउ पार्ट फोर दैट इज़ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास इसमें पहले तो पेशवास का एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट हमने एंशंट में भी मीडियावल में भी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के ऊपर इलेबोरेटली फोकस करके रखा हुआ था एंड दैट्स अ पेशवाज एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज पेशवाज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न

एंड सैवेंटीन में रिलीज करने के बाद ही टाइम पीरियड ऑफ सेवन नाइनटीन तो ये एक रफ आइडिया आपको हमेशा ही लगानी है कि पेशवाजार इवन दो दे आर डी फैक्टोरूलर उनके ऊपर शाहू महाराज उनके ऊपर मुगल बैठे हुए हैं एंड दिस इज अ क्वाइट कॉम्प्लीकेटेड पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दट मराठाज है डेवलप फॉर दमसेल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम

इसमें पहले से हमको दिखाई देता है, है कि कॉर्डियलनेस हमेशा से बना हुआ है इनफैक्ट शिवाजी महाराज के टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज़ देख के रखी थी कि शिवाजी महाराज ने 1647 से लेके 1666 में मल्टीपल टाइम्स पे औरंगजेब के साथ हाथ मिलाने की कोशिशें भी करके रखी हुई थी एंड अल्टीमेटली फिर आगरा आगरा का डेयरिंग एस्केप एंडर आफ्टर शिवाजी महाराज साउथन कैंपेन एंडर आफ्टर औरंगज़ेब प्री ऑक्यूपेशथ काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस ये मुगल्स हम लोगों ने मीडियल इंडिया में कवर अप करके रखा हुआ था हाउ एवर बाई दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम पेशवास के अंडर वही वाला एक कॉर्डियलनेस वापिस से आता हुआ हमको दिखाई दिया है हमने पहले भी देखा था कि ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन ईयर्स के लिए औरंगजेब वॉज सिटिंग इन दक्खन फ्रॉम सिक्सटीन एटी वन टू सेवनटीन ओ सेवन एंड ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन ईयर्स के लिए दखन वॉज अ वॉर फील एंड दैट्स सेवनटीन ओ सेवन ईच एंड एवरी साइड हैड एक्सेप्टेड दैट है पोजिशन

मनसबदारी सेटलमेंट भी हमने देखा था और मनसबदारी में हमने इलेबोरेटली देखा था कि टेन थाउजेंड इज़ वन ऑफ द हाइस्ट काइंड ऑफ द मनसबदारी दैट कैन बी ऑफर्ड बाय मुगल्स टू एनी हिंदू मिलिट्री कमांडर एक ज़माने में इतनी ही मनसबदारी वन मानसिंह को ऑफर की गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर अकबर के टाइम पे ही फाइव थाउजेंड का एक अपर लिमिट लगा के रखा था मनसबदारी में फाइव थाउजेंड से अबो की मनसबदारी अगर आपको चाहिए देन यू नीड टू बी वेरी क्लोज एंड पर्सनल टू एम्पयर यूजली फाइव थाउजेंड प्लस मनसबदारी सिर्फ और सिर्फ रॉयल ब्लड को दी जाती थी प्रिंसेस को दी जाती थी शहजादाओं को दी जाती थी हाउ बहुत सारे मराठा एज वेल एज राजपुताना मिलिट्री कमांडर के पास ये नंबर रहा है कुछ नोटेबल प्रेजेंस अगर देखेंगे तो मानसिंह का नाम हम ले सकते हैं हम लोग इवन मिर्जा राजे जयसिंह जिनको दखन में शिवाजी महाराज को कैप्चर करने के लिए भेजा था ही ऑल्सो हैड टेन थाउजेंड की मनसबदारी ड्यूरिंग हिज करियर महाराज जिनके पास की थी। Empire, तो राजा शाहू महाराज ही थे तो ही उनके सब ऑर्डिनेट थे तो ये वाला एंगल अभी आपको बता के रखा था एंड पेशवा वॉज वन ऑफ द में अष्ट प्रधान काउंसिल अष्ट काउंसिल अष्ट प्रधान मंडली इज बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ छत्रपति छत्रपति पहले शिवाजी महाराज शाहू महाराज है तो उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इनकी पोजीशन पेशवास की इनिशियल लेवल पे फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करती थी लेटर ऑन दे बिकम द प्राइम मिनिस्टर दैट इज पंत प्रतिनिधि तो फाइनेंशियल मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ये दोनों टाइटल आप इनके लिए यूज कर सकते हो ऑफ द एंटायर एंपायर तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप विद मुगल

एंड पुना में पेशवास का सेंटर हुआ करता था हमने देखा भी था कि कैपिटल एंड पुना में फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था तो अगेन इन डिटेल तो नहीं जाना है बट पूना के एडमिनिस्ट्रेशन में हमको वही पता बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है सबसे पहले दफ्तर वॉज देर दफ्तर एम्पायर सिंस पेशवा प्रतिनिधि और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर वी कैन से तो उनका जो ऑफिस था उसको दफ्तर बोलोगे तो हुजूर दफ्तर ये है एंड हुजूर दफ्तर में दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हम लोगों को दिखाई देते हैं एक है अल बेरीज दफ्तर एंड दूसरा है चालते दफ्तर एज फार एज अल बेरीज दफ्तर इज कंसर्न एज द नेम सजेस्ट अल बेरीज बेरीज का मतलब क्या होता है देन ऑब्वियसली प्लस फाइनल करते हो तो उसको आप बेरीज बोलोगे तो बेरीज दफ्तर में क्या होगा फिर सारा का सारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दिखाई देता है कि स्टेट का जो लेखा जोखा है बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर वो संभाला जाता था एंड ये अल बेरीज दफ्तर के नीचे चालते दफ्तर हुआ करता था चालते दफ्तर इज बेसिकली द पर्सनल अकाउंटेंट और पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ पूना अल्टीमेटली ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि पेशवास के पास जो है पूना की टेरिटरी हुआ करती थी एंड वो पर्टिकुलर टेरिटरी उनकी खुद की थी एंड ये टेरिटरी का जो दफ्तर होगा वो चालते दफ्तर इसका एक हेड था फडनवीस एंड चालते दफ्तर के अलावा फिर एक क्या था अलबेरीज दफ्तर जो हुजूर दफ्तर के अंडर आता था एंड ये दफ्तर पूरे एम्पायर का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था सिंस दे एक्चुअली द फाइनेंस मिनिस्टर तो दैट्स अलबेरीज दफ्तर ये काफी सिग्निफिकेंट दफ्तर है पेशवा खुद इस दफ्तर के हेड भी हुआ करते थे और ये दफ्तर के थ्रू पूरे मराठा एम्पायर का फाइनेंस मैनेज भी होता था तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बस ये दो तीन पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने हैं एंडर आफ्टर प्रोविशल एडमिनिस्ट्रेशन जो शिवाजी महाराज के टाइम पे चल रहा था और हमने देखा हुआ भी था कि इवन शिवाजी महाराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल दखनी सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले हम लोग को सुबेदार या फिर सुबह भी दिखाई देता है सरकार है परगना है एंड विलेज विलेज को बस ये लोग क्या बोलेंगे तो तरफ बोलेंगे तो ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न हमको दिखाई देता है कि सूबह सरकार परगना एंडर आफ्टर तरफ इसके साथ साथ का हेड एक सूबेदार भी हुआ करता था बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक सर सूबेदार भी हमको दिखाई दिया तो सूबा के ऊपर वाला यूनिट था कुछ बड़े बड़े प्रोविंसेस होंगे जैसे खानदेश गुजरात आफ्टर गुजरातिक जो बाय बाज पेशवा बाजीराव ने कैप्चर करके रखे थे तो बड़े प्रोविंसेस के ऊपर इन्होंने सर सूबेदार भी अपॉइंट किए थे सर सूबेदार टाइटल इवन वॉज अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज एंड ऑर्ली पीरियड ऑफ शाहू महाराज और हमने देखा भी था फाउंडर ऑफ देरडेटरी पेशवा शिप बा बने थे, he was actually सुबेदार ऑफ पूना तो शिवाजी महाराज के टाइम से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिविजन दिखाई दिए लोवेस्ट लेवल पे तरफ उनके ऊपर जो है बेसिकली ये uh, yeah, पर उसके ऊपर है सरकार सरकार के ऊपर सुबह एंड सुबे का एक हेड होगा सुबेदार सुबह के ऊपर अल्टीमेटली जो बड़े बड़े प्रोविंसेस होंगे तो उसको आप बोलोगे सर सुबेदार सर सुबेदारिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था

पटेल हो सकते हैं पाटिल हो सकते हैं महा्रेज हो सकते हैं देशमुख भी हो सकते हैं या फिर देश पांडे भी हो सकते हैं दिस मल्टीपल ऑफिस एट विलेज लेवल वेर ट्रांसफरेबल डरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज बट लेटर ऑन पेशवाज ने इनको हैरेडिटरी कर दिया था दैट्स आई ब्रिंगिंग द फेडालिस्टिक एलिमेंट इन टू एंटायर पेशवाशिप और ये फेडालिस्टिक एलिमेंट की वजह से ही हमने देखा था कि बैटल ऑफ पानीपत में इनकी हार भी हुई थी कमांड सिस्टम जो होता है चेन ऑफ कमांड वो सारा कोलेज भी हुआ था जिसके ऊपर अब हमने पहले ही डिस्कशन करके रखा हुआ है तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वी कैन से कि इनिशियल लेवल पे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स थे वो एंड टैक्सेशन के ऊपर भी हमने बात की थी कि मराठास को दो इंपॉर्टेंट टैक्सेशन थे दैट इज चौथ एंड सरदेशमुखी चौथ एंड आफ्टर सरदेश मुखी हमेशा से इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है इनके ऊपर हम लोगों ने मराठास शिवाजी महाराज की बात की थी तब देखा था इट वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ शिवाजी महाराज

Ultimately, हम हम लोग लोग क्या करेंगे वहां से ट्रिब्यूट Over a period of the time, से वसूलेंगे इसके वजह डर का माहौल बनेगा, का माहौल माहौल बनेगा बनेगा आतंक आपके ऊपर डालते डालेंगे अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो 25% फाइव परसेंट ऑफ यनुअल इनकम जो है आप हम लोगों को एज अ ट्रिब्यूट दे दो तो दैट वॉज बेसिकली चौथ एंडर फिर हम लोगों को दिखाई देता है सरदेशमुखी वॉट इज सरदेशमुखी तो अभी हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र के जो विलेजेस है ये विलेज में बेसिकली देशमुख बैठा हुआ है देशमुख इज बेसिकली हेरिडिटरी लैंड लॉर्ड देशमुख हो सकता है देश पांडे हो सकता है पाटिल हो सकता है पटेल हो सकता है मात्रे हो सकता है वॉट एवर इट इज ये सारे लोग जो है लैंड लॉड हुआ करते थे लोकल लेवल पे एंड यही का अल्टीमेटली जो पीजेंट है वो शिवाजी महाराज का बैकबोन हुआ करता था या फिर पीजेंट आर्मी जो शिवाजी महाराज की हुआ करती थी पीजेंट आर्मी के ऊपर शिवाजी महाराज सेंटर से, से डायरेक्ट टैक्सेस नहीं डाल पा रहे थे तो उन्होंने अल्टीमेटली लैंड लॉर्ड के ऊपर चालू किए। शिवाजी कि तो मी, तो capacity, यहाँ पे बैठे हुए जो है ये लोग कोई ना कोई तो टैक्सेशन वहां पर लगा रहे तो वो अपना टैक्सेशन लगाए एंड जितना इनकम वो जमा करेंगे उसका टेन परसेंट जो है एज अ सर देशमुख सर देशमुख मतलब आई एम द बिगेस्ट लैंड लॉर्ड नाउ

मैंने आपको एक चीज बताया की भी रखी थी दैट इज ये खाम्स काफी सिग्निफिकेंट था khans मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे बेसिकली रेड की तो रेड के बाद आपको ट्रिब्यूट मतलब लूट मिलेगी तो रेड का अमाउंट जो है डिवाइड होता था यूजली एटी परसेंट जो है ये किसके पास जाएगा तो एटी परसेंट आर्मी के पास जाएगा एंडर आफ्टर ट्वेंटी परसेंट जो है वो सुल्तान के पास जाएगा मतलब सुल्तान का पर्सनल इनकम वो रहेगा तो एटी ट्वेंटी में इवन सल्तनत के टाइम पे लूट जो है आर्मी और लोकल लोगों में सल्तान में डिवाइड की जाती थी मराठा में भी वही था बस इसको थोड़ा सा याद रखोगे कि जितना भी चौथ से रकम आएगा तो इट वॉज डिवाइडेड इन और बाप्तीसेंट जो राजा के लिए जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज एंड महाराजर राजा शाहू महाराज उनके पास ही जाएगा सरहोत्र सरहोत्र का मतलब क्या होता है सिक्स परसेंट जो पंत सचिव को मिलेगा नागदुगा जो है थ्री परसेंट जो बेसिकली किंग के डिस्क्रिप्स पर रहेगा एंड मोकासा मोकासा मतलब सिक्सटी सिक्स परसेंट जो है ये मराठा सरदार एंड मराठा आर्मी मैन के बीच में जो है डिवाइड की जाएगा तो यूजअली यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है थर्टी थ्री थर्टी फोर डिवाइड होगा थर्टी फोर परसेंट सेंट्रल लेवल पे जाएगा सिक्स परसेंट आर्मी में बांटा जाएगा सल्तनत में भी वही होता था एटी परसेंट आर्मी ट्वेंटी परसेंट सुल्तान वही यूजअली जो है क्राइटेरिया थे एंड सेम वॉज फॉर सरदेशमुखी मुखी का भी सेम ही आपको दिखाई देगा सरदेश मुखी की अगर हम लोग बात करते हैं कि सरदेश मुखी में भी सिक्सटी फाइव परसेंट जो है किसमें दिया जाएगा तो सिक्सटी फाइव परसेंट जो है बांटा जाएगा किसमें तो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल लोगों में जागीर सिस्टम इनमें भी चला करती थी बहुत जगह पे जागीर सरमजाम ऐसे जो लैंड है उसका ग्रांड शिवाजी महाराज ने देके रखा हुआ है बट इन अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन में चौथ सर्देश मुखी ऊपर ऊपर से याद रखना है दिस आर वॉट देन सोर्स ऑफ इनकम तो ये सोर्स ऑफ इनकम जो है बेसिकली Marathas के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहा है शिवाजी महाराज, टू। तो कि is, क्या है हमने पहले भी देखा हुआ था आज बस हम लोगों को थोड़ा सा इलेबोरेट जाके इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजीज याद रखो बिकॉज अगर हो सकता है तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रिलम से भी बन सकता है तो दैट इज़ समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर ऊपर से ही समझना है इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की आज कोई ज़रूरत नहीं है वरना मराठा का स्पिसाइजली पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ही बड़ा है बट इन एनी केस थोड़ा फिर एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जाएंगे अभी तक हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम सेवनटीन ओ सेवन सिंस द टाइम पीरियड ऑफ शाहू महाराज अराइवल वहाँ से लेके सेवनटीन सिक्सटी वन में देर वॉज एन असेंडेंसी इन मराठा एम्पायर मराठा एम्पायर जो एक जमाने में सिर्फ दखन का एक नॉर्मल एम्पायर था वह भी एक पैन इंडियन एम्पायर बन चुका है एंड सेवनटीन सिक्सटी वन में फाइनली हमको दिखाई देता है कि एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस हॉल्ट हुआ बिकॉज ऑफ दैट अननेसेसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड अननेसेसरी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद वाला सीनैरियो अब हम लोगों को डेवलप करना है दैट इज एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट फाइनली मराठा जैसे ही कोलैप्स हुए तो कोलैप्स होने के बाद मराठास के अंडर हमको वही दिखाई देता है ब्रिटिशर्स अराइज हुए एंड मराठास के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना इन्होंने चालू कर दिया

उसको इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को कैप्चर भी कर लिया एंड ये सारी प्रोसेस अगर किसी ने चालू की हो गई तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने ही चालू की अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स में हमने पहले ही देख के रखा हुआ है अराइवल ऑफ़ यूरोपियन अंडर आफ्टर ब्रिटिशर्स इन बंगाल तभी से हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉम्बे प्रोविंस है एक बंगाल प्रोविंस है अंडर आफ्टर एक मद्रास प्रोविंस है मद्रास अंडर आफ्टर बंगाल प्रोविंस में क्लाई का राज चल रहा था एंड क्लाई के थ्रू यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में हमको दिखाई भी देता है देयर वॉज यूनिफॉर्मिटी ंगल बॉम्बे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर उन्होंने वही सोचा कि हम लोग क्या करेंगे सेम पॉलिसी इंटरफेयरेंस इन टू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल रूलर एंड उसके साथ साथ द कैप्चरिंग ऑफ द रेवेन्यू एज वेल एज ट्रेजरी ऑफ द लोकल रूलर ये वाली पॉलिसी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे कहाँ पे तो बॉम्बे में अडॉप्ट करेंगे और वी कैन से पूना दैट इज पेशवाज में ये वाली सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं एंड देट साइट इज़ बॉम्बे गवर्नमेंट जिन्होंने अब इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ मराठाज उसमें इंटरफियर करना चालू कर दिया एंड ये बॉम्बे गवर्नमेंट ने जैसे इंटरफेयर करना चालू किया देन हम लोग को दिखाई देता है कि इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेर ये फर्स्ट टाइम लो मराठा वॉर वॉरफेयर एक्चुअल में हमको दिखाई देता है 1775 में चालू हुआ बट उसके पीछे थोड़ा सा एक ब्रिफ सिविल वॉर मराठा में एमर्ज हुआ है ये सिविल वॉर कब चालू हुआ तो ये सिविल वॉर सबसे पहले 1761 में ही चालू हुआ व्हेन पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड बालाजी बाजीराव जाने के बाद उनका सगा छोटा भाई जिंदा था दैट इज रघुनाथ राव तो रघुनाथ राव वॉज बेसिकली सगा छोटा भाई ऑफ बालाजी बाजीराव तो बालाजी बाजीराव के जाने के बाद एंडवराधव राव, 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 राव के अंडर जितना भी लॉस्ट ग्लोरी है मराठा का वो रीगेन हो गया था एंड इनफैक्ट फैक्ट माधव राव ने बिफोर डाइंगड एंड सेवेंटीज में रेड भी मारे थे पंजाब के ऊपर तो पंजाब तक का एरिया वापस से मराठा ने अपने अंडर लाने का काम तो जो है वो करके रखा भी था बट अनफॉर्चुनेटली वॉज बेसिकली प्रॉन टू दीकोहल कंजम्पशन था उसके finally, 1772 में ही डाइड। And इसके मरने के बाद रघुनाथ राव ने वापस से क्लेम किया कि अब जा चुके हैं, तो इनको बनाने के लिए अभी भी रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस अगर सबसे ज्यादा अगर किसी से आ रहा होगा तो आ रहा था नाना फडनवीस से अभी हमने देखा था कि नाना फडनवीस और एनी पर्टिकुलर पर्सन हुआ फडनवीस एज द सर नेम रघुनाथ राव अब इनके पर्सनल पॉलिटिक्स थे उसमें इन डिटेल नहीं जाना है बट माधव राव के जाने के बाद हमको दिखाई देता है की माधव राव का बेटा दैट इज नारायण राव बिकेम द नेक्स्ट इम्पोर्ट नेक्स्ट पेशवा बट नारायण राव के खिलाफ फिर रघुनाथ राव ने इंटरनल पॉलिटिक्स चालू किया एंड इंटरनल पॉलिटिक्स में फाइनली नारायण राव जो है जैसे ही नारायण राव मर गए तो उसके बाद में नारायण राव की जो बीबी थी शी वॉज प्रेगनेंट बच्चा नहीं हुआ था बट बीबी प्रेगनेंट थी एंड दैसा रघुनाथ राव थॉट किया अब मेरे को पेशवा बनने का चांस मिला बट नाना फडनविस ने अल्टीमेटली जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था उसको बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि ही विल बी द नेक्स्ट पेशवा एंड जैसे ही उसको नया पेशवा जो है बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया तो पे, नया पेशवा जैसे डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद अल्टीमेटली रघुनाथ राव डिसाइडेड टू टेक हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स 1775 में रघुनाथ राव फाइनली फिर ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट में जाके मिले एंड वहां से अल्टीमेटली उन्होंने ट्रीटी साइन की लोकल लेवल पे जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत बोला जाता है वाई दिस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ सूरत इट वॉज डिसाइडेड कि सबसे पहले सूरत वाला जो एरिया है सूरत के साथ साथ अल्टीमेटली सैलसेट एंड बेसिन वाले एरिया ये ब्रिटिशर्स को दिए जाएंगे इन रिटर्न ब्रिटिश हेल्प करेगा रघुनाथ राव को इन ऑर्डर टू बिकेम द नेक्स्ट पेशवा यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा इट वाज बॉम्बे गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व पॉलिटिक्स ऑफ मराठास मराठास एंड का जो डिवाइडेड हाउस था नाउ दैट वाज गोइंग टू कॉस्ट एंटायर मराठा प्रिंसिपैलिटी और मराठा टेरिटरी ये मैंने आपको पहले ही बता के रखा था बाजीराव के टाइम पे ही कि बाजीराव वॉज वेरी गुड मिलिट्री कमांडर सो ही वेरी गुड वी कैन से दैट सेम्पायर बिल्डर बट एज फार एज एम्पायर बिल्डिंग का एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट इस कंसर्न दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन तो बाजीराव की वजह से ही सारे प्रॉब्लम मराठाज में आने चालू हुए थे बाजीराव ने डिफरेंट डिफरेंट मराठा प्रिंसिपैलिटीज़ क्रिएट करके रखी थी गायकवाड़ भोसले होलकर सिंधिया एंड यही प्रिंसिपैलिटीज़ ने अब धीरे धीरे क्या किया था पेशवास के अगेन जाना चालू किया था और वही हम लोग को यहाँ पे दिखाई भी देता है जैसे ही पेशवास का इंटरनल प्रॉब्लम बाहर आना चालू हुआ मराठा सरदार भी इसका एडवांटेज लेने के लिए आ गया अब वो कैसे है? वो उसके ऊपर भी बात करेंगे बट सबसे पहले रघुनाथ राव जो है रघुनाथ राव ने ट्रीटी जैसे ही साइन की तो ट्रीटी साइन करने के बाद जो डिवाइडेड हाउस ऑफ मराठा था उसमें ब्रिटिशर्स ने फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू किया दिस इज सिमिलर दैट दे हैड डन इन मैसूर ऑल्सो एंड मैसूर के पहले हमने देखा था यही वाली चीज़ उन्होंने कहाँ पर करके रखी थी तो मद्रास में एंड बद्रास के साथ साथ बंगाल में इन्होंने ये चीज़ करके रखी हुई थी बट नैनल जैसे ही ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर एंग्लो मराठा वॉर सॉरी एंग्लो हाँ एंग्लो मराठा वॉरफेयर एंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर जैसे ही चालू हुआ तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट फिर हम लोगों को अब कवर करने पड़ेंगे सबसे पहले जैसे ही ये ट्रीटी की इंफॉर्मेशन कैलकटा में पहुंची बंगाल में पहुंची बंगाल गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया अब बंगाल गवर्नमेंट में भी हम देख चुके हैं कि 1773 के ऑनवर्ड रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है एंड रेगुलेटिंग एक्ट में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी है जो डायरेक्टली वॉरन हेस्टिंग के अंडर है तो वॉरन हेस्टिंग एंड हिज काउंसिल दैट इज काउंसिल उन्होंने ये ट्रीटी रिजेक्ट कर दी कि बेसिकली हम लोगों को ऐसी कोई ट्रीटी नहीं चाहिए एंड वी शॉल नॉट बी इंटरफियरिंग इन टू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास मराठास के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए अभी टाइम है वी कुड हैव मेड दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉर मैसूर और इवन वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली मद्राससो और वी कैन इवन टॉक अबाउट बेंगाल बट ये मराठाज में नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इफ़ यू रिमेंबर ये लोग मैसूर के अगेंस्ट भी जाके खड़े थे टीपू सुल्तान के अगेंस्ट इन लोगों ने बहुत ही इलेबोरेट लेवल पर पॉलिटिक्स खेलना चालू करके रखा हुआ था एंड डेट्स अ सेवनटीन सेवेंटी फाइव केराउंड पहले तो वॉरन हेस्टिंग के खुद के प्रॉब्लम थे जिसको बाद में हमको डिस्कस भी करना है उसके साथ साथ मैसूर वाला इक्वेशन भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ था एंड उसके साथ साथ वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट बेसिकली दिस वन आल्सो कि मराठास की जो पावर है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग थी एंड फिर कैलकाटा काउंसिल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को माना भी नहीं एंड आफ्टर पेशवास के कोर्ट में अपने मिलिट्री एजेंट भेज के एक सेपरेट ट्रीटी साइन की दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर्नल नल नाम है नाम याद रखना है तो रखो नहीं रखना है तो भी चल जाएगा एंड वाई दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर अल्टीमेटली इट डिसाइडेड कि रघुनाथ राव का जो कॉल है ब्रिटिशर्स गिव अप करेंगे एंड ब्रिटिशर्स अपने जेब से रघुनाथ राव को पेंशन देंगे अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड कि इस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद मराठाज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो है पीसफुल रिलेशन रहेंगे बट बॉम्बे गवर्नमेंट अपनी रट लगा के बैठा हुआ था कि भाई हम लोग ये वाली ट्रीटी नहीं मानेंगे एंड अल्टीमेटली बॉम्बे गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अपने मिलिट्री एस्पेक्ट जो है वो भी चालू करके रखे थे एंड इसी बीच में एक लोकल इंस्टेंस हुआ 1777 में नाना फडनविस ने कुछ लोकल पोर्ट थे वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट वो फ्रेंच को दे दिए नाना फडनविस ने जैसे ही लोकल कोस्टल पोर्ट फ्रेंच को दे दिए बॉम्बे गवर्नमेंट ने इसका इशू बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कैलकाटा में बैठा हुआ था उसके ऊपर भी प्रेशर डाला एंड फाइनली इट वॉज डिसाइडेड कि मराठास के अगेंस्ट जाएंगे एंड ये गए भी एंड जाने के बाद एक लोकल लेवल पे छोटा बहुत वॉरफेयर जो है वो हुआ भी दैट वॉरफेयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट ये वॉरफेयर हम लोग को दिखाई देता है तलेगा के अराउंड हुआ था खिड़की के अराउंड हुआ था तो बैटल ऑफ बैटल ऑफ खिड़की ये बस कीवर याद रखना है ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे से नीचे फोर्स भेजी पूना की तरफ एंड आफ्टर पूना से बॉम्बे की तरफ फोर्स भेजी थी पेशवाज ने एंड इन बिटवीन अल्टीमेटली आपको ये तलेगा या फिर खिड़की वाले जो एरियाज जो है वो दिखाई देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्कॉर्चर्स पॉलिसी मराठा ने फॉलो की स्कॉर्चर पॉलिसी क्या होती है पहले ही देख चुके हैं एंड सप्लाई लाइन ब्रिटिशर्स के एलैबरेटली कट ऑफ की है एंड फाइनली साल डेढ़ साल बाद हम लोग को दिखाई देता है कि ब्रिटिश फोर्सेस ने सरेंडर किया एंड सरेंडर करके एक वड़गांव कन्वेंशन या फिर ट्रीटी ऑफ वड़गांव ब्रिटिशर्स ने साइन की एंड ट्रीटी ऑफ वड़गांव के अंदर पहले तो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे वो भी बॉम्बे गवर्नमेंट ने मान लिया एंड उसके साथ साथ जो भी टेरेटरी पेशवास की कैप्चर हुई थी आफ्टर सेवनटीन ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद वो सारी टेरेटरी पेशवास को वापस भी देने का प्रॉमेस ब्रिटिश बॉम्बे गवर्नमेंट ने कर दिया बट ऑब्वियसली जैसे ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हुआ बंगाल में बैठा हुआ गवर्नमेंट वॉज नॉट हैप्पी विद द डेवलपमेंट एंड फाइनली ये बंगाल गवर्नमेंट ने फिर अपनी एक आर्मी भेल डी मराठा के ऊपर एक पर्टिकुलर विंग ने फाइनली डायरेक्टली वी कैन से डेट पूना के ऊपर अटैक किया एंड दूसरा पर्टिकुलर विंग जो है वो कहाँ पे भेजा गया देन वो भेजा गया ग्वालियर में ग्वालियर में क्यों भेजा गया बिकॉज ग्वालियर वॉज द एक्चुअल बेस ऑफ द सिंधिया फैमिली तो सिंधिया को डिवाइड करते हैं अगर ग्वालियर के ऊपर अटैक करेंगे तो सिंधिया पूना में जो बैठे हुए वो ग्वालियर में आ जाएंगे एंड पूना में फिर कोई सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांडर नहीं है एंड पूना पूना के ऊपर हम लोग फिर दूसरे रास्ते से अटैक कर सकते हैं हुआ भी वही फाइनली तो गिरा नहीं बट सिंधिया के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें अल्टीमेटली सिंधिया हारे इन बैटल ऑफ सिपरी एंड बैटल ऑफ सिपरी में हारने के बाद इट वॉज सिंधिया जिनके मीडिएशन के थ्रू फाइनली नाना फडनवीस को टेबल पे लाया गया एंड एक सालाबाई साइन हुई

जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ब्रिटिशर्स ने कैप्चर की वापस मिलेगी अगर रघुनाथ राव का कॉज जो ब्रिटिशर्स ने वापस से बोला कि हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे विल विल गिव अप दिस स्पेसिफिक कॉज एंड आफ्टर फिर मराठा जो है दे नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन ये तो हमेशा से सिग्निफिकेंट था मैसूर के बाद हम लोग इसके ऊपर इलाबोरेटली बातें कर चुके हैं मैसूर के टाइम पे एंड आफ्टर इवन पीस जो है ट्वेंटी ईयर्स के लिए दोनों पार्टीज ने साइन कर लिया फॉर ट्वेंटी ईयर्स देर विल बी पीस बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश एम्पायर

बिकॉज यही ट्वेंटी ईयर में फिर जितने भी बचे कुचे मराठा मिलिट्री कमांडर है जो बैटल ऑफ पानीपत के बाद में बचे हुए थे वो भी मरने वाले हैं बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स वेट एन अदर अपॉर्चुनिटी आफ्टर ट्वेंटी ईयर और वो अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट भी थी बिकॉज वही वॉरफेयर में फाइनली मराठा जो है उनका पॉलिटिकल प्रेस्टिज बाय एंड लार्ज इंडिया में खत्म हुआ दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एटीन ओ टू से एटीन हंड्रेड एंड सिक्स तक बट इन एनी केस आज के लिए हम लोग यही पे रोकेंगे

बेसिकली एक्सेस अब वो डेढ़ साल का थोड़ा सा ज्यादा भी करो एंड फॉर दैट परपज नाव कम आउट विद्री डिट डिफरेंट वी कैन सेटेगराइजेशन एक कोर्स तो बारिंद सेम ही रहेगा ये कोर्स में हम लोगों ने पहले भी देख के रखा था कि इसमें हम लोगों को लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों का एक्सेस है एंड अब ये दोनों का एक्सेस जो है बेसिकली यू विल बी गेटिंग एज पर दैकेज अगर सिल्वर है तो फिर यू विल बी गेटिंग इट फॉर द एटीन मंथ दैट इज डेढ़ साल जो अभी भी, भी नॉर्मली चल रहा है अगर बेसिकली यू आर गोइंग फॉर द हायर पैकेज दैन कंसिक्वेंटली द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेसिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगा आपका तो डेढ़ साल की जगह अल्टीमेटली थर्टी मंथ एंड आफ्टर फोर्टी टू मंथ्स के लिए यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कोर्स बट ये सिर्फ ड्यूरेशन से एसोसिएटेड चीज़ है ओके okay, तो ड्यूरेशन से इन द सेंस वॉट कोर्स रिमेन द सेम तो वन फोर्टी टू वन सिक्सटी लेक्चर होंगे ट्वेल्थ टेस्ट सीरीज का एक पैकेज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा करक्स मटेरियल पीपीटी हैंड रिटर्न नोट भी आपको इसमें मिलेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे पी वाई यू के मॉडल आंसर भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड कोर्स एंड अगर आपको डेली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है तो वो भी सपोर्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू तो एवरी थिंग विल भी अवेलेबल टू यू अगर आप डेढ़ साल का ही एक्सेस चाहते हो ये कोर्स के लिए तो एट फिफ्टीन ट्रिपल नाइन एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च विद्यू बैच एंड दिस पर्टिकुलर बैच इज गेटिंग लॉन्च ऑन ट्वेंटी वाया एंशेंट तो एंशेंट से बैच लॉन्च करेंगे एंड गाइज ट्रस्ट मी अब बेसिकली 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग टू लेट तो डोंट मेक मच मोर डीले ना दिस इज वन ऑफ द फाइनल अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप ज्वाइन कर लो बिकॉज ये बैच में आई विल कवरिंग अप एवरी थिंग बाई द टाइम पीरियड ऑफ द फेब्रुआरी फेब्रुआरी एट द मोस्ट मार्च के मिड तक तो आई विल ट्राई टू कवर अप एवरी थिंग बट इससे ज्यादा अगर डिले करोगे देन दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर बोथ ऑफ अस मेरे लिए भी आपके लिए भी बिकॉज अगर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के प्रिपरेशन स्पेसिफिकली ऑप्शनल के थे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है तो इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इफ यू आर हैविंग हिस्ट्री ऑप्शनल एज योर बैकग्राउंड इफ और इफ यू हैव चोजन हिस्ट्री ऑप्शनल देन ऑब्वियसली दिस इज अ राइट टाइम और आई विल से हाई टाइम फॉर यू टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स तो आई होप टू सी यू इन द कोर्स गाइज विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम ट्वेंटी